किशोर कुमार के बंगले में रेस्टोरेंट खोलेंगे विराट। किशोर दा की फैमिली के साथ डील फाइनल, 5 साल के लिए लीज पर लिया बंगला। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली एक नया रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्होंने दिवंगत एक्टर सिंगर किशोर कुमार के मुंबई स्थित जुहू वाले बंगले को लीज पर लिया है। ई टाइम्स के मुताबिक विराट एक हाई ग्रेड रेस्टोरेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका काम करीब करीब पूरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि अगले महीने ये रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने भी इस बात को कन्फर्म करते हुए कहा कि कुछ महीने पहले सुमित की विराट से मुलाकात हुई थी। इस दौरान बंगले को किराए पर लेने को लेकर दोनों की बातचीत हुई। अब आखिरकार ये बंगला 5 साल के लिए विराट को किराए पर दे दिया गया है। बता दें, किशोर कुमार का बंगला गौर कुंज मुंबई के जुहू तारा रोड पर स्थित है। किशोर दा जब जिंदा थे तो वे इसी बंगले में रहा करते थे। बंगले के आसपास की हरियाली किशोर दा को काफी पसंद थी, यहां तक कि उन्होंने बंगले के आसपास के पेड़ों के दिलचस्प नाम भी रखे थे। बंगले में एक गैराज भी था जिसमें वो अपनी विंटेज कार पार्क किया करते थे। 2018 में ये बंगला तब विवादों में आया था जब इसे रेस्टोरेंट खोलने के लिए 3 साल की लीज पर दिया गया था। बीएमसी ने बंगले के ग्राउंड फ्लोर में अवैध निर्माण पर आपत्ति जताते हुए किशोर कुमार और लीला चंदावरकर के बेटे सुमित को नोटिस भी भेजा था। वहीं विराट की बात करें तो वे दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 61वें नंबर पर हैं। मौजूदा समय में विराट 30 से अधिक ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं। ब्रांड, आईपीएल और मैच फीस मिलाकर विराट सालाना 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। विराट की नेटवर्थ 900 करोड़ से ज्यादा है। बता दें, विराट ने इससे पहले भी कई बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। वो यूएई रॉयल्स टेनिस टीम के को फाउंडर है। इसके अलावा वो 18 कम्युनो नामक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। वो रॉन्ग ब्रांड के भी को फाउंडर हैं। साथ ही विराट इंडियन सुपर लीग में खेलने वाली टीम एफसी गोवा के को फाउंडर भी हैं। वहीं यदि किशोर कुमार की बात करें तो वो फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नाम हैं। उनका 35 साल पहले यानी कि 13 अक्टूबर 1987 को निधन हो गया था। उन्होंने अपने कैरियर में 110 म्यूजिक डायरेक्टर के साथ 2678 फिल्मों में गाने गाए थे। आपको बता दें, किशोर दा ने करीब 88 फिल्मों में बतौर एक्टर भी काम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।